सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 3 रुपए 80 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 1% के करीबन की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 379 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर ऊपर में एक टॉप बना था 478 रुपीज का। 478 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया था। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली है जहां पर स्टॉक में एक नीचे का बॉटम बन चुका है 308 रुपीज का। 308 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक बॉटम बनाया और निचले लेवल पर स्टॉक के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिलाएगा। और स्टॉक काफी टाइम से देखें तो एक रेंज कोड में ट्रेड कर रहा है जहां पर स्टॉक के अंदर ऊपर एक रुकावट रेंज है 400 रुपीज पर। 400 रुपीज पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज का काम कर रहेगा। जब तक स्टॉक 400 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग नहीं लेता स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म में एक बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इस स्टॉक में एक पोजिशन बनाना चाहते तो नीचे के अराउंड 360 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखें और ऊपर के टारगेट अराउंड 480 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।